हाय गाइस, आज मैं आपको LR ऐप से एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। चलो LR ऐप पे। सो गाइस, आप पहली बार आए तो प्लीज़ कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ऐड फोटो में चाहिए, फिर एक अपनी फ़ोटो चूज़ कर ली। मैं अपनी ये वाली खड़े वाली फ़ोटो चूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं खड़ा हूँ, वो चूज करने के बाद थोड़ा लोड होगा। फिर साइड स्क्रॉल करके कलर्स में जाइए, मिक्स में क्लिक करिए। उसके बाद अपने कलर एडजस्ट कर लीजिए आपको जैसा चाहिए। मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ, तो अभी बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। देखो अभी आपको जैसे चाहिए वैसे एडजस्ट कर लेना। मुझको तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है एडजस्ट। तो उसमें क्या कह रहा था, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक बटन दबा देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अब क्लियरिटी बढ़ा दीजिए और इधर जाके नॉइस रेडिएशन को भी पूरा कर दीजिए। फिर क्लियरिटी थोड़ा कम, उसके बाद आप टेक्सचर जैसे लगता है वैसे एडजस्ट कर लीजिए। और ये वीगेंटेड ऑप्शन को पूरा आपको जैसे एडजस्ट करना वैसे कर दीजिए। ब्राइटनेस में जाइए और एक्सपोजर्स को अपने ही दें। हाइलाइट्स को थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही रखना। और शेडो वाइट्स को, शेडो को थोड़ा ज़्यादा रखना। और वाइट्स और ब्लैक को टच नहीं करना। क्लियरिटी बढ़ा दे, छोटी कर देना, ज़्यादा मत बढ़ाना, हाफ रखना। आपका जी आपके फ़ोटो के ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो फ़ोटो होगा उस पर डिपेंड होगा। सो अभी यहाँ पे फिर से जाके इसको बढ़ा देना, टेक्सचर बढ़ा देना। तो गाइस, टेक्सचर बढ़ाने के बाद फिर नॉइस रेडिएशन थोड़ा कम कर देना 65-62 पे। फिर शार्पनेस करके देखना, अच्छा लगा तो करना, नहीं तो मत करना। मुझको तो नहीं लग रहा अच्छा। सो अभी इधर वीगेंटर्स को थोड़ा कम, ज़्यादा थोड़ा आपके हिसाब से कर लेना। राउंडनेस को थोड़ा बढ़ा लेना। और अभी यहाँ पे जाके अपने हिसाब से क्लियरिटी कर लेना। तो मैं ऐसे रख रहा हूँ। सो देखो, मुझे तो ऐसे ही सही लगा तो मैंने ऐसे रख दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। तो गाइस, अभी आपको जाना, इसको सेव कर लेना है शेयर पे जाके। फिर ये थोड़ा टाइम लेगा, सेव हो जाएगा। फिर पिक्सआर्ट में चलना है। पिक्सआर्ट में, और अभी पिक्सआर्ट में आने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा चालू होने को। हो रहा है, नेट स्लो है ना, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। हो गया। फिर आपको अभी यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, उसको क्लिक कर देना। और अभी
स्टार्ट एडिटिंग लिखा होगा, उसके नीचे जो आपकी फ़ोटो होंगी वो पहले नंबर पे आ जाएंगी, उस पर क्लिक करना, थोड़ी ऐड आएंगी, कट कर देना। फिर अभी लोड हो रहा, थोड़ा नेट स्लो है इसकी वजह से। हाँ आ गया, टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना, अभी एडजस्ट में जाना और क्लियरिटी में जाना, अभी फुल कर देना क्लियरिटी। इरेजर में जाना, फुल कर देना क्लियरिटी और फिर इरेजर में जाना, इरेजर। तो इरेजर में आने के बाद यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन होगा, तो आपने फेस को इरेज कर देना, फेस को, बाल को, हेयर्स, फेस, हो गया, ऐड कर देना। देखो गाइस कैसा इफेक्ट आ रहा। फिर अभी ब्राइटनेस में जाना, अभी भी आपको लगता होगा तो इरेज कर देना बालों को, इसको मुझको लगा इसलिए लिखा, इसलिए कर दिया। ठीक है, अभी ब्राइटनेस को आधी रखना, नहीं नहीं पहले आप इसको राइट कर देना, बाद में ब्राइटनेस पे आना, पहले राइट कर देना। क्लियरिटी को भी मेरे हिसाब से को आधी 53 रखना है, ट्राई। फिर एडजस्ट पे जाना, फिर ब्राइटनेस को फुल करके इरेजर में जाने के बाद इधर इन्वर्ट पे जाना और अपना फेस कट कर लेना, मतलब इरेज कर देना। सो अभी फेस हेयर को मत करना, फेस और जहाँ जहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पे इरेज कर देना। उसके बाद नीचे आना है, अभी आपको जैसा लगता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके फ़ोटो पे कैसा होगा। सो अभी नीचे देना वैसे, ये आपके स्किन को गोरा कर देता है। अभी नीचे पैर पे दोनों पैर पे करना, फिर वो होने के बाद राइट कर देना। फिर आपके मन से ब्राइटनेस को थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना, क्लियरिटी मत बढ़ाना ज़्यादा, ब्राइटनेस क्लियरिटी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। राइट पे क्लिक करके सेव कर देना। सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।